Yes. Next is divisibility of 7. Divisibility of 7. 7 की divisibility. अब बहुत सारी चीजें हैं कि अलग अलग आपको बताई गई होंगी कि आप ऐसे कर लो वैसे कर लो. और सबसे सटीक मेथड मैं आपको आज डिस्कस करूंगा कि मतलब मुझे पर्सनली सबसे अच्छा कौन सा लगता है. देखिए कंबाइनिंग डिविजिबिलिटी रूल तो आपने पढ़ा होगा. तो मैं सीधा एक एग्जांपल लेता हूँ. जैसे मैंने एग्जांपल लिया 576, ठीक है 576, ये 7 से डिवाइड है या नहीं है. तो डिविजिबिलिटी रूल 7 का बोलता क्या है कि 70 जो लास्ट के 2 डिजिट है उनको ऐसे रख लो यहाँ पे, प्लस का साइन लगाओ, और जो ये वाली डिजिट है इसका 2 गुना. ठीक है, कहने का मतलब लास्ट की दो डिजिट है जो उनको लिखो, ऐड करेंगे क्या जो फर्स्ट डिजिट है उसका 2 गुना. तो 5 × 10 प्लस 76, 76 और 10 86. क्या 86 डिवाइड है क्या 7 से? अब बोलोगे जी ना जी नहीं है. ठीक है, अगला एग्जांपल लेता हूँ मैं. जैसे मैंने कहा 574 है, कर लो 74 ऐसे ही लिखो, प्लस का साइन, 5 × 10 74 और 10 84, 12 × 7 = 84. बोलोगे जी हाँ जी ये भी है, करके देख लो. नहीं यकीन आ रहा तो 574 × 7 = 56, 1 × 4 = 7 × 14. ओ भाई मारकर टूट गई, 7 × 14 574, 12 × 7 = 84. ठीक है 82. ठीक है, उसके बाद और एग्जांपल करते हैं, 2-3 और ले लेते हैं. जैसे हमने लिया एग्जांपल 22 × 74, ये डिजिट है 22 × 74, ऐसे ही लिख लो 74 प्लस जो ये डिजिट है 22 का दुगना कर दो, 22 × 44 प्लस 74, 4 × 4 = 8 और 7 × 4 = 11, 118 क्या डिवाइड है 7 से, 118 नहीं डिवाइड होगा, तो ये डिजिट भी नहीं होगी आपकी डिवाइड, कौन सी 22 × 74. तो देख लो करके 48 आ रहा है बाद में, नहीं होगा. इसको भी करके देख लो, 7 × 3 = 21, 1 = 17, 7 × 2 = 14, 3 × 3 = 34 नहीं होगा. ठीक है, आई होप यू गेट द पॉइंट. मैं अपना पर्सनली व्यू बताऊँ, मतलब मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे लगता है भाई सीधा उठाओ, 574 था ना भाई, फटाफट मेंटली कैलकुलेट करके देख लो, 70 × 56 1 × 14 हो गया. अब यहाँ पे हमने करा क्या किया, 76 लिखा, उसका दुगुना किया, ऐड किया, ऑपरेशन कम हुए ज़्यादा हुए, ऑपरेशन ज़्यादा हुए, एक बार 76 लिखा प्लस किया, फिर मल्टीप्लाई किया, माइनस को छोड़ के बाकी सारे ऑपरेशन तो कर ही दिए भाई. आपके बोर्ड मास के कितने ऑपरेशन थे आपके, डिवाइड था, मल्टीप्लाइड था, प्लस था और नेगेटिव था, देख लो नहीं करेगा, ऐड ये रहा, मल्टीप्लाई ये रहा, डिवाइड ये रहा, इसको भी तो डिवाइड करके देखा होगा, इससे तो अच्छा है फटाफट करके देख लो ना एकदम, यहाँ पे करके देख लो, 22 × 74 लिखा था ये भी, 22 × 74 मेंटली कैलकुलेट करो, 7 × 21 जाएगा भाई, 17 आएगा यहाँ पर, 7 × 2 = 14 आएगा, 3 × 34 नहीं होता, नहीं कर सकते. ये डिविजिबिलिटी मैं मानता हूँ जिन चीज़ों की आसान है उनको करो. अब बहुत बड़ी डिजिट आ गई, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये लिख दिया मैंने 56232, बता दो जी, लिखो जी, इसको लिखो, इसका दुगना करो, करवाओ ऐसी तैसी. भैया सीधा लिखो 7 × 8 = 56, 2 0 और 3 × 7 = 21, उसके बाद 2 × 22 नहीं होता. ठीक है, ये आपका नहीं होता डिवाइड, डिवाइड करके देख लिया करो ना बहुत जल्दी, जितना इतना दिमाग खराब इसमें करेंगे तो डिवाइड वाले में जल्दी हो जाएगा.
आई होप यू गेट द पॉइंट। डिविजिबिलिटी पढ़नी है ये वाला, इस तरीके से जा सकते हो, देख सकते हो, बट मुझे इतना फ्रूटफुल लगा नहीं है मेथड, क्योंकि उससे तो पहले मेरा रिजल्ट यहीं पर आके थी, ये सीधा नहीं दिख रहा है। तो मैं 57 और 14, 63, 56, एक बचेगा 14, हो तो रहा है, ये वाला 76 नहीं होता। इसमें सारे तो प्रोग्रामिंग कर दी हमने, डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई, फिर इसका फायदा क्या होगा, मत करो इसको, मैं तो बोलता हूँ, बाकी मर्जी है आपकी, मैं कानून के दायरे में हाथ किसी के नहीं बांधूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो।